हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, उद्यमिता की प्रक्रिया। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर की प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप या स्टेजेस होती है। तो फर्स्ट है आइडिया जनरेशन, सेकंड है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस अवसर विश्लेषण, नेक्स्ट है डेवलपिंग प्लानिंग विकास योजना, नेक्स्ट है कलेक्टिंग रिसोर्सेज संसाधन एकत्रित करना, फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना, ग्रोइंग बिजनेस। इन सभी को डिटेल में पढ़ने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे और मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, आपको कोई डाउट है आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अब एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है पहले इसकी डेफिनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, रिसोर्सेज को एक साथ लेके आते हैं ताकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कि ये सारी जो स्टेप्स होती है वो बार बार रिपीट होती रहती है, और अगर यहाँ से स्टार्ट हो गया तो फिर से यहाँ पे चले जाती है, तो एक के बाद एक हमेशा चलते रहता है। तो द एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, फर्स्ट आइडिया जनरेशन, आइडिया लेके आते हैं हम, फिर अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करते हैं, फिर डेवलपिंग प्लान, कलेक्टिंग रिसोर्सेज, फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोइंग बिजनेस। तो इन सभी स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। आता है आइडिया जनरेशन, ये फर्स्ट स्टेप होती है एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस की, जिसमें हम किसी भी आइडिया को या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर जब उसको कोई आइडिया आता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनता है, या फिर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है, लाइक फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो आइडिया जनरेशन में वो आइडियाज़ को डेवलप करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, कि वो आइडिया उसका काम करेगा या नहीं करेगा, उसका भी एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, जब भी आइडिया आया उसके बाद आइडेंटिफाई करता है एंटरप्रेन्योर की क्या अपॉर्चुनिटी है जिसका कि वो एडवांटेज ले सकता है, वो अपॉर्चुनिटी उसको कितनी वैल्यू प्रोवाइड करती है उसके बिजनेस को, क्या वो अपॉर्चुनिटी उसको लॉन्ग टर्म हेल्दी बनाए रखने में, मार्केट के कॉम्पिटिशन में बने रहने में, जो भी अपॉर्चुनिटी में रिस्क एसोशिएट होती है उससे ज़्यादा उसको उस चीज़ में प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर, कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कंपटीशन में लोगों से डिफरेंट है, कंपटीशन को बीट कर सकता है, ऐसा उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी उसके पास है, जितनी भी वो कैपिटल रिसोर्स और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है उतनी वर्थ इट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, मतलब उसको उतनी वैल्यू मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी से जितना वो इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं, कैन वी ऑफर बेटर सॉल्यूशन देन एग्जिस्टिंग वन, कि जो अवेलेबल सॉल्यूशन है क्या उससे अच्छा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, कैन वी बीट द कंपटीशन, कि हम कंपटीशन को फेस कर सकते क्या या कंपटीशन से आगे निकल सकते क्या। नेक्स्ट आता है इन द बिजनेस सस्टेन्ड इन द लॉन्ग रन, कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन तक बना रहेगा, वॉट आर द रिस्क, कि उसमें कितनी रिस्क है। जब भी अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ताकि आप देख सकें अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है उतना प्रॉफिट ही नहीं होगा उस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और लग रहा है रिस्क कम है प्रॉफिट ज़्यादा, और इन सबसे आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट जब अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है डेवलपिंग प्लानिंग, कि एंटरप्रेन्योर अब डेवलप करता है प्लान को, कि जो भी उसने एनालिसिस किया अब उस प्लान को उसको कंपनी में लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करनी होगी। तो प्लानिंग में वो बिजनेस स्ट्रेटजीज को बना, ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाता है, इसमें इंक्लूड होती है स्टेप्स लाइक कि कंपनी का कैसे फॉर्मेशन होगा, इसमें पूरी डिटेल होती है कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बिजनेस का क्या गोल होगा, क्या मिशन स्टेटमेंट होगा, और जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी पूरी डिटेल अवेलेबल होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपको रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, कौन कौन से सप्लायर्स होंगे, किस प्राइस पर दे रहे हो, तो वो सारी डिटेल भी आपको इसके अंदर मेंशन करनी होती है। तो डेवलपिंग प्लानिंग में पूरा प्लान बनाया जाता है कि बिजनेस को कैसे लॉन्च किया जाएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग रिसोर्सेज। जब भी कोई भी नया बिजनेस लॉन्च होता है तो फिर उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमने प्लानिंग में करी थी। प्लानिंग में जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, अब उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, लाइक फाइनेंस, ह्यूमन, लेबर, मटेरियल और सारी चीज़ें। अगर ऑन्ट्रप्रीनियर खुद के पास मनी है, अगर वो सेल्फ सफिशियंट है, तो वो खुद के मनी को लगा सकते हैं। पर अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जाता है फ़ंड के लिए। इन्वेस्टर्स को वो शेयर इशू करके मनी ले सकता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन ले सकता है कोई भी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आजकल एक नया ऑप्शंस आया है, क्राउड फंडिंग, जो कि एंटरप्रेन्योर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं बिजनेस के अवेयरनेस को इनक्रीज करके, और वो अपने बिजनेस के लिए सपोर्ट को मांगते हैं। तो इस स्टेप में जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ से मशीन चाहिए, मनी चाहिए, मैन पावर चाहिए, उन सभी को कलेक्ट किया जाता है ताकि बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। जब एंटरप्रेन्योर ने सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लिया है और उसके पास फंड भी आ गया, तो अब बारी आती है कि वो कंपनी को लॉन्च करें। वो एक लीगल एंटिटी के रूप में अपनी कंपनी को बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जाके लीगली गवर्नमेंट के पास पेपर सबमिट करके अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाता है। वो हो सकती है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, विथ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या कॉरपोरेशन, नॉन प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कि NGO से हम जानते हैं। तो किस तरह का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरह की आपकी कंपनी होगी, तो वो आप लीगली अपने नेम को रजिस्टर्ड करवा लेते। नेक्स्ट लास्ट आता है ग्रोइंग बिजनेस। जब भी बिजनेस को अब लॉन्च कर दिया था हमने, अब स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन और सर्विसेज को ऑफर करना। तो एंटरप्रेन्योर इंश्योर करते हैं कि जो भी सारे काम हो रहे हैं वो स्मूथली चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। वो रेगुलरली चेक करता है या अपडेट लेता रहता है कि एक्चुअल में कंपनी की प्रोग्रेस हो रही है या फिर नहीं हो रही है। कभी हो सकता है कि कंपनी इस तरीके से भी चल रही हो, डाउन, कंपनी लॉस में जा रही हो। तो आपको ग्रोइंग बिजनेस में आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें हैं जो कि प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको आप चेंज कर सकें और करेक्टिव एक्शंस लें ताकि आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो एंटरप्रेन्योर प्रोसेस के अंदर हमने 6 स्टेप्स देखी इसकी। फर्स्ट थी आइडिया जनरेशन, सेकेंड है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, डेवलपिंग प्लान, कलेक्टिंग रिसोर्सेज, फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन और ग्रोइंग बिजनेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक मीनिंग, डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, नेचर आप कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।